नमस्कार, मैं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर नाउ। मुजफ्फरपुर जिले में सिकंदरपुर के वार्ड 13 में राशन वितरण को लेकर डीलर संजय प्रसाद सिंह के द्वारा घपलेबाजी का मामला सामने आया है, जहां स्थानीय लोगों ने कम अनाज मिलने पर वार्ड 13 के डीलर का जमकर विरोध किया है। कितना राशन मिला आपको? हमारा 35 किलो मिला फालतू, 7 गोरा के दिया। कितना दिया? 15 किलो। बाद बाकी काहे नहीं लिए? 3 दिन बाद बाकी काहे नहीं लिए? और राशन ये कहा जे कौन चीज के दे? बल जितना हुआ से आया है उतना देंगे। पूरा राशन और बोला पूरा राशन वाला कहे जरा है सब दिया है। पूरा राशन नहीं मिला आपको? ना, पूरा नहीं मिला। 8 बजे बुलाया है, 8 बजे आ जा। 8 बजे हम लोग हाजिर है। खुद आता है 9 साढ़े 9 10 बजने वाला। मार खाएंगे आप। कोई क्या दिक्कत है? अब मार तुम पेड़ होता। हां तो कर है। सब में क्यों नहीं कर है? तू क्या बोले? तू कर है, कर है मारेगा। ए तू क्यों नहीं कर रहा? ले क्यों तू प्लानर हट रहा है? ए कहां गया रे? ए आपका बेटा कहां गया? आए भैया, आइए अब हम आपको सुनाते हैं कि राशन वितरण में इस तरह की चोरी और घपलेबाजी पर हमारे मुजफ्फरपुर नाउ के मेंटर भारतेंदु कुमार का क्या कहना है। नमस्कार दोस्तों, कल हम लोगों ने एक वीडियो में देखा कि कैसे राशन कार्ड का घोटाला हो रहा है। लगभग मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में 20,000 लोगों का राशन कार्ड बना है, जो कि जिनका राशन कार्ड है उन तक नहीं पहुंचा है। बिचौलिए उस राशन को खा जाते हैं, मतलब कि हक आपका है और खा कोई और जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो सजग रहने की हमें ज़रूरत है, और हमें ज़रूरत है कि अपने चीज़ों का ध्यान रखने का। तो ये अगर जांच नहीं हुआ होता, नगर आयुक्त के द्वारा जनप्रतिनिधि को अगर लिस्ट नहीं दिया जाता और जनप्रतिनिधि के द्वारा उस लिस्ट को अगर सार्वजनिक नहीं किया जाता, तो वार्ड 46 के लगभग 150 लोगों को यह पता नहीं चलता कि उनका राशन कार्ड बन चुका है। वो लगातार जनप्रतिनिधि से फॉलोअप करते रहते, उनसे बातचीत करते रहते, विधायक से बातचीत करते रहते, वार्ड पार्षद से बातचीत करते रहते। और इसके साथ ही एक वीडियो कटिंग हम लोगों के सामने आया है, वीडियो क्लिप हम लोगों के सामने आया है, जो वार्ड 12 का है। चूंकि इस तरह का जब आयोजन, जब इस तरह का वीडियो हम लोग बनाते हैं और सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में इस तरह की जो जागरूकता की खबर है वो छपती है, तो कहीं ना कहीं जनता तक भी पहुंचता है। और ये जो प्रति व्यक्ति 5 किलो का अनाज देना है, ये जनता तक बात पहुँच चुकी है। वार्ड 12 के एक डीलर ने प्रयास किया 5 किलो अनाज न देने का। जहाँ उनका 7 लोगों का परिवार है, 35 किलो अनाज बनता है, वहीं उनको 12 किलो अनाज उन्होंने देने का प्रयास किया, तो वहाँ पे लोगों ने हंगामा किया। जैसा कि बहुत सारा फीडबैक हमारे पास आया है कि ऐसी धांधली वो बराबर करते रहे हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि अभी नहीं कर सकते हैं, चूँकि आधिकारिक तौर पर इसका कोई बयान नहीं आया है। वीडियो भेजने वाले जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, उनका कहना है कि इस तरह की समस्या लगातार होते रही है। आपके सामने भी कोई ऐसी समस्या है, कोई ऐसी ज्वलंत मुद्दा है जो आप चाहते हैं प्रशासन के सामने रखना, जो आप चाहते हैं कि लोगों के बीच में आए, तो हमें हमारे मैसेंजर से सूचित करें। हम चाहेंगे आप, हम बनेंगे आपकी आवाज़ और आपकी बातों को प्रशासनिक पटल पर, सामाजिक पटल पर रखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर नाउ की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें हमारे फेसबुक के पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करें, फॉलो करें। और अगर आप हमें हमारे यूट्यूब के चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब के भी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मुजफ्फरपुर और आसपास के सभी खबरों से अवगत रहने के लिए आप गूगल के प्ले स्टोर से हमारे मुजफ्फरपुर नाउ की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।